कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि कैसे बूस्ट करें, एकदम रहस्यमयी चीज़ है, इसको खोज के निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सिंपल सा चीज़ है, अच्छा एथलीट बनना है आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, रोज़ दौड़ना होगा। और इंग्लिश, ये जो इंग्लिश सीखना है ये एक मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है, ठीक है, ये एक सफ़र है। कभी ये मत सोचना कि हम इंग्लिश बोलना सीख गए, हो गया। लोग आते बोलते कोर्स कितने का है, हमको नोट्स दे दीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या नोट्स। कल का एक बात है, एक लड़का, हम दोपहर में सोते हैं, 2-3 बजे के आसपास कॉल किया कि सर हम लोग को, हम लोग 10-12 लोग हैं, हम लोगों को ऐसा बैच दीजिए जिसमें एक भी लड़की ना हो। तो क्लियर है, तो ये चीज़ समझिए कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा माहौल बना है यहाँ इंग्लिश कैफे में, इसको एकदम यूज़ कर लो, टेंस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, जितना कुछ पढ़ लीजिए वो आपके नोटबुक में ही रह जाएगा। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको नोटबुक तक नहीं रखना है, ये आपके टंग पे रहना चाहिए। अगर यहाँ नहीं सीखोगे तो फिर आपको हायर स्टडीज में दिक्कत होगा, वहाँ पे फिर सारा पूरा सारा चीज़ इंग्लिश में होगा। ये जो टास्क होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जो सेशन यहाँ सीखते हैं वो तो सीखेंगे, क्लियर है, और थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, आपको सब कुछ मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा, पूरा डेप्थ में मिलेगा। यहाँ जो हम लोग ग्रामर इंग्लिश स्पीकिंग में सीखेंगे वो फंक्शनल ग्रामर है, जो ज़्यादा फंक्शन में है उसको सिखाएंगे, जो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग को बोलने में ज़्यादा काम आता है उस ग्रामर को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। जैसे ही कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि जब 1-to-1 पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है ना, और जैसे टास्क मिले तो वो हट जाते हैं और फिर वो क्लेम करेंगे कि मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है सर, हम क्या करें। तो आपका इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब आपको टास्क मिलता है तो आप बैक स्टेप ले लेते हो, आप पीछे हट जाते हो, मतलब आपको, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। बनना आपको विराट कोहली है, वो चमक धमक, वो लाइम लाइट वर्ल्ड, सब नाम रुतबा सब चाहिए, लेकिन उतना एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं, उतना उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करने के लिए आप तैयार है ही नहीं, और चाहिए वो सारा चीज़। ये तो फिर वही बात हो गया, वो कई पोस्ट मैंने पढ़ा था कि जाना हर किसी को जन्नत में है लेकिन पुण्य करना नहीं है, पाप में मजा आता है, वही बात हो गया, ठीक है। सबसे पहले एकदम से वो जो नए लोग हैं, है ना, कहीं से एक फीडबैक आया है, उनके लिए एकदम सख्त हिदायत के साथ आज का सेशन शुरू करना चाहूँगा कि किसी का शायद किसी नए लोगों का ऐसा कहना था, या बीच बीच में ये फीडबैक आते रहता है कि यार इंग्लिश कैफे में मतलब सिर्फ टास्क वास्क चलते रहता है या ग्रामर वगैरह भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ आज के इसी सेशन से। एक चीज़ जहन में एकदम से बिठा लीजिए कि बिना ग्रामर का आप लोग कभी इंग्लिश पे कमांड नहीं कर सकते, और जब तक इंग्लिश पे कमांड नहीं होगा तो आप एकदम से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इंग्लिश कॉन्फिडेंस का चीज़ है, क्लियर है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सिर्फ रटा रटाया सेंटेंसेस बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको ये चीज़ भी जानना पड़ेगा, डेप्थ में ग्रामर में भी सीखना पड़ेगा। आप थोड़ा पेशेंस तो रखो, आप 2-3 दिन आते हो या जज करते हो, आप क्या जज करते हो और जज कर क्या सकते हो, आप में कितना कैलिबर है कि आप जज करोगे किसी को, ठीक है। 2-3 दिन आए कि टास्क हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या जज करोगे। अरे पुराने स्टूडेंट से पूछो कि पढ़ाने का अंदाज, यहाँ का माहौल कैसा है, वो शुरू से जुड़े हुए हैं। आप सोच ये सकते हो, आप इस बात का इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब 1 साल से 1.5 साल से कोई जुड़ा हुआ है, क्लियर, अगर एक ही सेशन को अलग अलग तरीके से परोसा जा रहा है तो उसके पीछे कुछ काम हो रहा है। ये जो सेशन यहाँ चल रहा है इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखा करें, ऐसा नहीं कि 2 दिन आए, टास्क हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, भाग रहे हो। आप किस, कहाँ से भाग रहे हो, आप अपने आप से भाग रहे हो। ये जान लीजिए कि जो ऐसे माहौल से, यहाँ इंटरेक्शन से इनफैक्ट आपको लिबर्टी मिलता है कि सिर्फ इंग्लिश में नहीं आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हो। तो आपको तो पहले बोलने ही नहीं आता है, ठीक है, इंग्लिश तो बहुत दूर का चीज़ है, हिंदी नहीं बोलने आता है आपको, आपको लोगों का क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ समझिए, आप 3-4 क्वेश्चंस को फेस करने के डर से इंग्लिश कैफे ज्वाइन नहीं कर रहे हो। कुछ लोग हैं कि सोच रहे 3-4 महीना लग रहा है, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उनका ये फीडबैक आता है कि बहुत दिनों से सोच रहे,
कुछ ऐसा किसी को रिकमेंड कर देते कि पहले तैयार हो के आओ। क्या तैयार हो के आएंगे आप? आपको बात करने नहीं आता, सिर्फ नॉर्मल जो आंसर्स होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस हो रहे, उसको इंटरैक्ट, उसको फेस नहीं कर पा रहे हो, क्लियर है? और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि यहां से नहीं भाग रहे हो, दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता इंग्लिश जब तक आप नहीं चाहोगे तो। ये जान लीजिए, कोई भी नहीं सिखा सकता है। अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो आपको खुद को पहले तैयार करना होगा, ये चीज जान लीजिए। यहां से आप भाग रहे हो, कहीं और भी जाओगे, फिर वहीं वहां से भी निकलोगे, कहीं पे भी आप जाओगे, वो फेस तो करना होगा, वो शुरुआत का जो दौर है वो तो क्रैक करना होगा। अगर हम, मेरा ये माइंडसेट होता तो हम शुरू में इस नॉर्म को ही बदल देते, लेकिन शुरुआत से इसको चेंज नहीं किए। जो वो शुरू में था वो आज भी वही चीज है। आते लोग, अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो लोग जान गए, जब स्टार्टिंग सेशन था उस समय और भी चैलेंजिंग हुआ करता था। लोग आते थे, सवाल होता था, इतने सवाल, उस डर से चले जाते, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, गायब। तो वो आप भाग नहीं रहे हो, आप तो पहले से एकदम से हारे हुए हो। क्या सीखोगे आप? नहीं सीख पाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो। ये चीज फेस करना ही होगा। मैं फिर से इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप इंग्लिश बोलने के पहले आपको बोलने आना चाहिए, चाहे जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, क्लियर है? उस चीज में आपको एटलीस्ट एक्सप्रेस करने आना चाहिए। यहां तो सीख रहे हैं, और कहां से भाग रहे हो आप? इस माहौल से, इस एनवायरमेंट से, इस इंग्लिश स्पीकिंग माहौल से भाग रहे हो, तो फिर कहां भागोगे? पूछो उन पुराने स्टूडेंट से। सींचा है मैंने, एक एक टाइम लगा है, ठीक है, एक एक सेशन को, एक एक एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगता है आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। वो बहुत चंद और स्मार्ट पीपल होंगे जो ये चीज ग्रास्प कर पाते होंगे कि किस खास सेशन से कौन खास चीज डेवलप होता है, किससे लीडरशिप स्किल आता है। इंग्लिश कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश से कुछ नहीं होता है। आपका पर्सनालिटी बहुत मायने रखता है, आपका बॉडी लैंग्वेज मायने रखता है, फेशियल एक्सप्रेशन लगता है, ठीक है, आपका जेस्चर्स है, टोन है, एक्सेंट है, बोलने का अंदाज, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप में पोलाइटनेस नहीं, कोई इंप्रेस नहीं हो सकता आपसे। ये जान लीजिए, किसी को मोहने में, राइट, किसी का मन मोह लेने में बस चंद सा मोमेंट लगता है। ये एक कला है, सीखना पड़ता है, क्लियर है? कम्युनिकेशन एक आर्ट है, समझ लो इस चीज को। जरूरी नहीं है इंग्लिश, आप हिंदी भी जो बोलते हो ना, इंसान सबसे ज्यादा अगर कुछ काम करता है तो वो बोलता है, सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो भी बोलता है, जो समझदार है कम बोलता है, जो है ना अधजल है वो ज्यादा छलकता है, जो कम जानता है ना वो और ज्यादा बड़बड़ाता है, ये चीज समझिए। लेकिन बोलना एक कला है, चाहे आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, जो कुछ बोलो, वो कोई एक एक आर्ट इसलिए है क्योंकि आप किसी नॉर्मल सा चीज को इस अंदाज में परोस दोगे जिसपे ताली बजे, जिससे लोग इंप्रेस हो, जिसे चले जाने के बाद, आपके सामने से चले जाने के बाद भी लोग आपके उस सेंटेंस को याद रखे, उस बात को याद रखे कि वो क्या अंदाज है उसका इस तरीके से बोलने का। तो ये चीज समझिए, डेवलप करना होता है, एक दिन में नहीं आता है, ठीक है? ये सब जो लाइन होता है ना, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम वैसे भी नहीं हो सकता, अगर आप चाह लो तो 30 दिन में भी हो सकता है, 21 दिन में हो सकता है, 40 दिन में हो सकता है, 21 डेज का आपको रूल पता होगा, किसी चीज को अगर लगातार 21 दिन करो या 40 दिन करो तो आपके आदत में शुमार हो जाता है, ठीक है? फिर आप उस चीज को करने के बगैर नहीं रह पाओगे, तो उस चीज को भी डेवलप करना होता है। जैसे TFL, TSO, इन सब का जो टीचिंग सर्टिफिकेशन होता है, इसमें 4 सप्ताह 5 सप्ताह का प्रोग्राम चलता है, लेकिन उसमें शर्त है, शर्त यह है, 1 घंटा 1.5 घंटा का सेशन नहीं होता वहां पे, 4 घंटा 5 घंटा का सेशन होता है, 9 से चलता है शाम 4 बजे तक, 10 से 5 चलता है, ऐसे सेशंस होते हैं। जैसे आप देखते हो बिग बॉस में सारा दिन वहीं रहते हैं लोग, सारी रात रहते हैं, क्लियर है? बस कोई वेकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा माइंड उसमें ही एकदम से डाल दिया जाता है, बाहर की दुनिया से एकदम कनेक्टिविटी खत्म। तो उस तरीके से भी काम करवाया जा सकता है, ऐसे भी ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन टीचिंग के लिए हो रहे हैं, ऐसे लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश के लिए नहीं हो रहा। तो अगर आप चार से पांच घंटा का सेशन अगर चले, उस तरीके का प्रोग्राम अरेंज किया जाए, तो भी उसमें भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 30 दिन 40 दिन में नहीं होगा, लेकिन शर्त है कम से कम एटलीस्ट 4 दिन 5 दिन।
आप कितना टाइम क्लास करते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, ठीक है ना, उसी चीज को मल्टीपल कर दो ना 3 से 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4-5 महीने का ड्यूरेशन हो गया ना एक महीने में। और ये याद रखो कि बहुत लंबे टाइम तक आप कर रहे हो, और एक बार में सारा प्रेशर अगर आप ये लगाओगे तो जल्दी वो इम्प्रूव करेगा। 10 दिन में 15 दिन में भी किसी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया जा सकता है, बशर्ते कि उस तरीके से काम किया जाए। वो एकदम चैनल से बनाना पड़ेगा, अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग लोगों को उस पर इंडल्ज करना होता है, वो भी चीज है। तो एक चीज जान लीजिए कि ग्रामर पढ़ाया जाएगा, और ग्रामर कितना डेप्थ में पढ़ाया जाता है वो जो यहां पढ़े उनको पता है, ठीक है। हालांकि ये चीज जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ग्रामर जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक नहीं बोल पाइएगा, ऐसा है बिल्कुल है, सीखिएगा आपका लेवल अपग्रेड होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि जब तक आप ग्रामर नहीं सीखिएगा, जब तक आप बहुत सारा वर्ड नहीं जानेगा इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको हिंदी में देख लो ना सिंपली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक कभी स्कूल नहीं गए, एक रिक्शा वाला कोई उठा के देख लीजिए, आपसे अच्छा हिंदी बोलेगा, आपसे अच्छा सिचुएशन को हैंडल करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है उसके पास बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज का। अरे पूरा 10 साल 12 साल आप अपना स्कूल में झोंक दिए, ठीक है, तो क्यों फिर भी आज आप यहां पहुंच रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए। तो लर्निंग है आपके पास, नॉलेज है इंग्लिश का, लेकिन कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे जो सीखा हुआ चीज है, वो चीज नहीं मालूम आपको, वो उस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं काम करवाएगा। विवेक बिंद्रा का एक स्पीच था, उसमें देखे थे कि हमारा जो एडुकेशन सिस्टम है उसका जो एकेडमिक सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है कि जब एकेडमिक से लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो बहुत बड़ा गैप दिखता है, क्लियर है। तो एकेडमिक से जब आप कॉरपोरेट में जाते हो, जो आप एकेडमिक्स में सीखे वो चीज वहां एकदम काम ही नहीं करता है, और जो वहां काम कर रहा है वो बहुत एडवांस लेवल का चीज है, तो बहुत बड़ा गैप हो जा रहा, उसी को ब्रिज करने का आप यहां आए होंगे, कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा। याद रखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, आप कितना किताबें पढ़ लो, कितना ज्ञान हासिल कर लो, अगर अच्छा बोलना है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, गाइस जो सबसे ज्यादा अगर मेरा काम आया, सबसे ज्यादा जो चीज मेरे को इंप्रूव किया पर्सनली, वो था कॉरपोरेट में काम करना, अलग अलग माहौल में काम करना, अलग अलग ट्रेनिंग्स लेना। तो इतना टाइम लगा दिया लेकिन फिर भी इंग्लिश उस हद तक इंप्रूव नहीं कर पाए, जो डिजायर्ड फ्लुएंसी है आपका, जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से, वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि सही तरीके से नहीं सीखे आज तक, ठीक है। तो लोग क्या होता है, नए नए लोगों को मालूम नहीं है, वो जिस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ आज तक अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग जगहों पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि जहां से भी आए हैं, जिस परिवेश से आए हैं, वही चीज आप यहां एक्सपेक्ट करते हो तो वो चीज नहीं चलेगा। यहां अपने कायदे कानून से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट काम कर रहे हैं, इसीलिए डिफरेंट रिजल्ट भी दिख रहा है, ये चीज आप जान लीजिए। आप उस माइंडसेट के साथ आओगे कि हम यहां जाएंगे, टेंस पढ़ाया जाएगा, अरे अभी तक तो टेंस शुरू नहीं हुआ, अरे क्या टेंस ही थोड़े होता है इंग्लिश ग्रामर, उसके पहले भी बहुत सारा बेसिक चीज है। आपको मामूली सा इज एम आर का यूसेज दिखाता हूं, उससे सिर्फ उसी के एग्जीक्यूशन से बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करना होता है, आप वहां स्टक कर जाते हो कि बिना वर्ब का हम कैसे बोलेंगे। तो बहुत सारा चीज है, देखिए जहन में और भी बहुत कुछ है, क्लियर है, इस स्टोर में बहुत कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना डाइजेस्ट हो रहा है। जिस बैच में जितना डाइजेस्ट होता है, जैसा पोटेंशियल रहता है, जैसा एनर्जी रहता है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें परोसता हूं। तो आप उस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ मत आइए कि ना यहां आएंगे पहले टेंस पढ़ाया जाएगा, फिर वॉइस पढ़ाया जाएगा, फिर ये पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो कुछ भी यहां पढ़ाएंगे उसको आपको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवाएंगे, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से, डिबेट से, डिस्कशन से, एक्सटेम्प्री राउंड से, ठीक है, अलग अलग राउंड्स है, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज है। शायद ही मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कहीं पे भी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास की हो या कुछ भी की हो या कहीं किसी भी तरीके का एडवेंचरस चीज की हो, इतना टास्क कभी नहीं मिला है, नहीं मिला होगा। और ये जान लीजिए आप प्रैक्टिकल टास्क से ही इंप्रूव कर सकते हो। यहां जब 1-to-1 सिखाया जा रहा है ना, राम आम खाता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये ठीक है, 1-to-1 समझ में आ रहा है, राइटिंग स्किल के लिए ठीक है, ये एकदम से क्लियर है। लेकिन ये जान लीजिए जैसे ही आप बोलने की शुरुआत करते हैं तो वहां पे
आपको प्रैक्टिकली फिर यूज करना होगा सारी चीजें, क्लियर है ना। या फिर आप ये मत सोचो कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जब आप बोलने की शुरुआत करते हैं तो ये भी चीज ध्यान में रख लीजिए, जो ये चीज मान लिया ना कि हम सही बोलेंगे, एकदम से सही बोलेंगे, बिल्कुल सही बोलेंगे, तो कभी इंग्लिश सही से नहीं बोल पाएगा। दो तरह के लोग कभी नहीं सीख पाते इंग्लिश, एक वो जो एकदम से परफेक्ट बन लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे, ठीक है, पहले पूरा ग्रामर पे कमांड कर लेंगे, पूरा वर्ड स्टॉक कर लेंगे तब इंग्लिश बोलेंगे, कभी नहीं होगा ये, ये कभी हो ही नहीं सकता। इंग्लिश बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, ये चीज जान लीजिए, एकदम एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा वास्ट है। जितना सीखोगे पूरा जिंदगी कम है सीखने के लिए, कभी कोई दावा नहीं कर सकता कि 100% इस चीज में, और कोई किसी चीज में 100% नहीं हो सकता। तो आप सोचोगे हम पहले एकदम से परफेक्ट हो जाए, पहले पूरा ग्रामर सीख ले, वर्ड स्टॉक कर ले, तब नहीं हो पाएगा, बहुत सारे वर्ड्स है। और यहां किसी को शेक्सपियर भी नहीं बनना है, बहुत चंद ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे आम बोलचाल में यूज किए जाते हैं और जो हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं वो बहुत नॉर्मल वर्ड्स है। इनफैक्ट वो नॉर्मल वर्ड्स ही यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड बॉम्बार्डिंग वर्ड्स आके यूज कर दिए। थोड़े देर के लिए झूठा सा इमेज क्रिएट होगा लेकिन वो सही नहीं है कम्युनिकेशन के मामले में। जब आप प्रोफेशनलिज्म पे, कम्युनिकेशन स्किल पे चीजें पढ़ोगे तो बैरियर नहीं होना चाहिए कभी भी कम्युनिकेशन, वो वन वे नहीं जाना चाहिए, वो जैसा ऑडियंस होता है, जैसा माहौल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉड्यूलेट करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें डिलीवर करना होगा, समझ रहे हैं। अब गांव में जाके आप एकदम से जर्मन, स्पेनिश या इंग्लिश बोले एकदम टिपिकल अमेरिकन एक्सेंट में तो क्या फायदा उस चीज का, थोड़े देर के लिए एक इमेज क्रिएट होगा लेकिन कोई फायदा नहीं, कनेक्ट नहीं हो पाए आप, ये जान लीजिए। कम्युनिकेशन इंग्लिश बोलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन मतलब अपने बातों को पहुंचा देना और सामने वाले बातों को रिसीव करना, फिजिक्स में नहीं पढ़े आप, ट्रांसमिट करना मैसेज, तो ये चीज होता है कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि बहुत सारा वर्ड रटेंगे तभी होगा और ऐसा है वैसा है। और कुछ लोग जो टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्लियर है ना, राइटिंग में आज तक फंसे, तो फिर से मैं वही चीज दोहराऊंगा कि आप नहीं कर पाओगे फिर, क्लियर है। आप जितना हो सकता है प्रैक्टिकली चीजें कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा। देखो कोई सा भी लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, कोई सा भी लैंग्वेज, उसका चार बेसिक डायमेंशंस है, चार बेसिक पिलर्स है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन ये जो लिसनिंग है यही वो एक सेक्शन है जो सबसे ज्यादा आपको इंग्लिश सिखा सकता है, सबसे ज्यादा। हिंदी से चेक कर लो, ऐसे ही देख लो, आप कोई ग्रामर का क्लास किए, हिंदी ग्रामर जो थोड़ा बहुत एकेडमिक्स में पढ़ाया गया होगा, याद नहीं होगा कुछ आपको आज, ठीक है, तो वो चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी कैसे बोलने सीखे, सुन सुन के, लिसनिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो भी केयरफुली लिसनिंग चाहिए, हियरिंग नहीं चाहिए वहां। लिसनिंग और हियरिंग में भी फर्क होता है, लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना, हियरिंग महज कैजुअली सुनना। इसको भी ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूं अभी, ये आप सुन रहे हो, ठीक है, ये ध्यान से सुन रहे हो, ट्रैफिक का आवाज आ रहा है वो भी सुनाई दे रहा है, आप इसको रोक नहीं सकते हो सुनने का। ये जो एक्शन है, जो वर्ब है, ये परसीव एक्शन, ये आप चाहो ना चाहो ये तो आप सुनोगे ही, मैं जो बोल रहा हूं वो भी सुनोगे, वो ट्रैफिक का आवाज भी आपके जहन में जाएगा, लेकिन आपका दिमाग तय करेगा कि हमें किसे ग्रास्प करना है और किसे रिपेल करना है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप किसका ध्यान किधर है, हो सकता है किसी का ध्यान होगा उधर कि अभी मेरे बॉयफ्रेंड का एक हॉर्न बजेगा जिसमें वो इस टाइप का हॉर्न होगा एकदम से, तो उसका ध्यान उधर होगा, ये बात उसको याद नहीं रहेगा क्योंकि उसका लिसनिंग उधर है, उसका हियरिंग इधर है। हो सकता है एक इंडिकेशन होगा कि मैं जाऊंगा ऐसा हॉर्न बजाऊंगा, आप समझ जाना कि अच्छा मेरा आने का टाइम हो गया, आप निकल जाना, तो ये भी चीज है, तो उसका लिसनिंग उधर है और हियरिंग इधर है, तो ये बात याद नहीं रहेगा। लिसनिंग सबसे ज्यादा किसी भी लैंग्वेज को सिखा सकता है। आप बाकी जो चीजें आप पढ़ोगे, राइटिंग, वो आपके राइटिंग स्किल को डेवलप करेगा, ऐसा नहीं, ग्रामर भी सीखना जरूरी है आपको अपग्रेड करने के लिए, अदरवाइज जैसा आप बोल रहे हो टाउम रहे ऐसा ही बोलते रह जाओगे, है ना। आपको अपग्रेड करना है धीरे 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 धीरे, तो उस जो स्किल को हम सीखे, जो ग्रामर हम सीखे, उसको एज एन एप्लीकेशन यूज कीजिए, एज अ थर्ड पार्टी जब कुछ बोलो उसको डिटेक्ट करो क्या यहाँ सही है या नहीं है, वो आपके अंदर हमेशा चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जब आप यहाँ आए तभी इंग्लिश की बात करें,
आप जहां कहीं पे भी जाए इंग्लिश में ही बोलिए, है ना। एक इमेज क्रिएट कीजिए, एक फेक इमेज क्रिएट कीजिए कि यस मैं इंग्लिश जानता हूं और बहुत जानता हूं। इंग्लिश में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, क्लियर है। इसको लिटरली आप फॉलो करो, देखो आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अब जहां आप अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में इंग्लिश बोलिए, आप घर में बोलिए इंग्लिश। और ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो वो समझेंगे नहीं, समझेंगे, लिटरली समझेंगे। ऐसा नहीं कि समझने में उनको इश्यू होगा, समझेंगे। और जब आप बोलना शुरू करोगे, आज से आप ये चीज करके देखो, जैसे आप बोलोगे तो वो बोलेंगे अच्छा दिखा रहा है, भाव मार रहा है, एटीट्यूड है, ईगो है, ये है, वो है, दिस दैट। एक दिन बोलेंगे, दो दिन बोलेंगे, तीन दिन बोलेंगे, फिर वो मानने लगेंगे धीरे धीरे। दुनिया में कुछ भी नया होता है ना, तो सबसे पहले उसका आलोचना होता है, फिर धीरे धीरे लोग मानने लगते हैं, फिर अल्टीमेटली वो ही लोग बोलेंगे हाँ मैं जानता था, है ना, ये बंदा अच्छा इंग्लिश स्पीकर है। ये चीज देखिए, इससे होगा क्या, इसके अंदरूनी बात को समझिए। ये लाइन आप कई बार सुन चुके होंगे। इससे होगा यह, जैसा फ्रेंड सर्कल में आप बोलेंगे इंग्लिश, तो शुरू में भले वो आलोचना करे, धीरे धीरे मानने लगेंगे कि हाँ इसकी इंग्लिश अच्छी है। फिर उनको अगर कोई चीज इश्यू होगा इंग्लिश में, वो आपसे पूछेंगे। आपके फैमिली में अगर ऐसा होगा तो उनको कोई ट्रबल होगा, वो आपसे फिर पूछेंगे। तो जब वो आपसे पूछने लगेंगे तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना, एक रिगार्ड मिलेगा, एक ऑनर मिलना शुरू हो जाएगा। और यकीन जानिए, ये इतना ब्लिसफुल है, इतना अच्छा चीज है कि जब आपको मिलने लगेगा ना, तो आप इस चीज को और लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। तब आप ऑटोमेटिकली, आपके अंदर एक जिम्मेवारी हो जाएगी कि हाँ मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है। सामने वाला पूछ देगा तो, जैसे आप मेरे से सवाल करोगे तो मैं जानूंगा ना कोई चीज, पहले से मैं तैयार रहूंगा, मुझे पढ़ना होगा ज्यादा कि कोई कब कहीं से किसी भी तरीके का सवाल करे मैं उसको बता पाऊं। दावा नहीं कर सकता हूं, दुनिया का कोई इंसान दावा नहीं कर सकता है। और ऐसे भी जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस दिन घमंड आया, खत्म, ठीक है। शैतान है ना, शैतान, उससे ज्यादा कोई इबादत नहीं किया। रावण में कम ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने अहंकार की वजह से खत्म, राइट। तो वही चीज है, शैतान अपने घमंड की वजह से वो गया। तो ये इस चीज को कभी बढ़ने मत देना किसी भी चीज में, कोई सा भी स्किल में अगर आप आगे जा रहे हो, हर किसी में कुछ ना कुछ एक स्पेशल, एक खास मेरिट होता है ना, हर किसी में खास खूबी भी होता है, खामी भी होता है। तो उस चीज को कभी, उस चीज में कभी एरोगेंस हावी मत होने देना, ईगोइज्म हावी मत होने देना, क्योंकि वो जिस दिन बड़ा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। ये चीज जान लीजिए, एप्रिसिएशन जरूरी है लेकिन ईगोइज्म जरूरी नहीं। और धीरे धीरे ऐसा बेस खत्म करेगा, रूट ऐसा कट करेगा, वो स्टेम जिस पे वो है ना, पूरा वो धरातल खत्म हो जाएगा वो सारी चीज, ठीक है। एक और चीज मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जब आप आते हैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ यहीं पे आप ये एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि जब यहाँ जाएंगे तब बोलेंगे, लोग सवाल करेंगे, टास्क मिलेगा तब हम बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से मान लीजिए कि हर टाइम हमको इंग्लिश में बोलना है, हर वक्त इंग्लिश में बोलेंगे, चाहे हम घर में रहेंगे या बाहर रहेंगे। एक चीज बहुत अच्छा, अनुपम ने सुबह में सवाल किया था कि होता यह है कि जब हम लोगों से इंग्लिश में क्वेश्चन किया जाता है तो हम लोग के जहन में हिंदी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं ना, हम लोग हिंदी माहौल से। इंग्लिश हर तरफ नहीं बोला जाता है। आज जो इंग्लिश बोल रहा है यहाँ हिंदुस्तान में, या जहां पे, जहां का नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वहां के लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप आम लोग नहीं हो, अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आप आम नहीं हो बल्कि खास हो, ये जान लीजिए। आप सिर्फ 5% डेटा के मुताबिक बात कर रहा हूं, सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल पाते अच्छे तरीके से, सिर्फ 5%। तो आप उन 5% में से हो, और अगर उसमें भी इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल रहे हो तो सोच लो फिर आप। तो ये चीज जान लीजिए कि सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा यहां आने से उतना तेजी से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर बहुत जल्दी ये चीज चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो ज्यादा उस पर एफर्ट डालना होगा। लोग जिम जाते हैं ना, कोई 7 साल 8 साल 10 साल जिम करता है तब जाके वैसा बॉडी बिल्डिंग होता है, कोई 3 महीने 4 महीने में कर सकता कर लेता है बॉडी बिल्डिंग वैसा। तो क्यों होता है ऐसा? प्रॉपर गाइडेंस,
ठीक है, मेहनत जाया नहीं जाता है, ये जान लीजिए कि मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो कभी जाया नहीं जाता, बर्बाद नहीं होता। जिस चीज में आप मेहनत करो रिजल्ट आएगा, देर सवेर आएगा लेकिन आएगा। क्लियर? किसी भी चीज में, अगर गलत चीजों में भी कर रहे हो, चोरी करने में भी मेहनत करो तो एक दिन अच्छा चोर जरूर बन जाओगे, ये आप जान लीजिए। ये तो क्लियर है, मेहनत जाया नहीं जाता, लेकिन सही गाइडेंस में मेहनत करना होता है, सही उसका स्केड्यूल को फॉलो करना होता है, तब जाके बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। जैसे आप जिमिंग में देखते हो, प्रॉपर डाइट, वर्कआउट और रेस्ट, स्लीपिंग, तब जाके 3-4 महीने में सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेस लोग उस तरीके का, है ना, बॉडी बिल्डिंग कर पाते हैं। लेकिन कुछ को 8-10 साल लग जाता है और वैसा इफेक्टिव बॉडी फिजिक नहीं बन पाता है। बॉडी है तो बेली भी है, तो ये भी चीज है। क्लियर है? तो ये चीज समझिए कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। और बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा माहौल बना है यहाँ इंग्लिश कैफे में, इसको एकदम यूज की तो हर बार बोलिए। हाँ, एक सवाल आपका ये था कि जब हम लोग से क्वेश्चन होता है तो हम लोग हिंदी में सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रोसेस है कि कोई सा भी कुछ सवाल किया तो हम लोग तो हिंदी में सोचने का आदत है, लोग बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश सोचो, तो ये होगा कैसे? सिर्फ बोल देने से थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश सोचो तो कैसे होगा? हम लोग भी जानते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश सोचने से सही है, लेकिन कैसे? सब तो ये बोलता है कि सोचो, लेकिन कैसे होगा ये चीज? इस पे एकदम डेप्थ में जाके सोचिए, कुछ इस तरीके से काम कीजिए। जैसे जब सामने वाला इंग्लिश में करता है, हम लोग करते हैं सिंपली हिंदी में आंसर पहले उसको, अच्छा मेरा आंसर ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जब कोई क्वेश्चन कर रहा है, अब उसका अगर हमें आंसर ही नहीं मालूम है तो आप इंग्लिश में क्या, हिंदी में भी कुछ नहीं बोल पाओगे। अरे जिस चीज का आंसर ही नहीं मालूम, हम आंसर कैसे करेंगे? मालूम ही नहीं है तो कंटेंट ही नहीं है, बोलना क्या है? तो वहां बोलोगे नहीं, इसको हिंदी बोलने नहीं आता है। होता है ना ऐसा, कोई कुछ क्वेश्चन किया वो आंसर नहीं कर पाया तो आप बोलोगे नहीं, इसको इंग्लिश बोलने नहीं आता। ये गलत क्लेम है, गलत क्लेमिंग है, गलत ब्लेमिंग है कि उसको इंग्लिश बोलने नहीं आता। हिंदी में सवाल करते हैं हम किसी से, कुछ वो नहीं आंसर कर पा रहा है, या हिंदी में स्टक नहीं करता क्या? करता है स्टक, क्योंकि उसको आंसर ही नहीं मालूम है। तो ये अलग चीज है, समझे? अब आते हो उस पे, जब आपको आंसर पता है लेकिन प्रॉब्लम होता है, जब आप इंग्लिश में कोई क्वेश्चन किया, हम उसका हिंदी में आंसर सोचे, अब उस हिंदी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, तो उस दौरान क्या होगा? पूरा सारा पैटर्न आएगा, पहले ग्रामर के सारे पैटर्न्स आ गए, वॉइस है, ये है, वो प्रैक्टिस नहीं किए तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि किसको यूज़ करें, किसको क्या करें। और अगर वो ताते ती वाला कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं कि जिसके एंड में ताते ती लगा होता है, तो और भी इशू होगा। देखिए वो भी गलत नहीं है, क्लियर है, लेकिन वो बेसिक लेवल के लिए, वो बिगिनर्स के लिए। होता यह है कि हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से मान लेते हैं, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, जियोग्राफी पढ़ते हो, सिविक्स पढ़ते हो, तो वहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैथ्स पढ़ते हो कि प्राइमरी में ये चीज था, मिडिल में अपग्रेड हुआ, हायर में और अपग्रेड हुआ, पीजी में और एडवांस पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में उस चीज को नहीं मानते। जो आप शुरू से पढ़े वही चीज लेके चल रहे, ऐसा भी नहीं है, बहुत डेप्थ है इंग्लिश में भी, बहुत ज्यादा। ठीक है, सब्जेक्टिव पे आ जाओ, सब्जेक्टिव पे तो बहुत डेप्थ है। लैंग्वेज में सिर्फ आप बोल चाल के लिए अगर यूज करो देन दैट इज ओके, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर बोलना होगा, क्योंकि बोल चाल में सारे चीजों का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं। क्लियर? जो चीज फंक्शन में, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ पैटर्न्स, सब चीज का इस्तेमाल नहीं होता, जो फंक्शन में है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ड में इनफैक्ट वो एकदम से वो ट्रेडिशनल बाबा आदम वाला जो अप्रोच है कि रोज 10-10 वर्ड याद करो, 20-20 वर्ड याद करो, एक दिन डिक्शनरी खत्म हो जाएगा, एकदम फालतू और एकदम से आउटडेटेड और एकदम से फ्लॉप आइडिया। याद रखिए, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि हम कोई वर्ड को यूज कर लेते हैं, उसका मीनिंग भी पता है, यूज भी कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद या बहुत दिनों के बाद वो वर्ड फिर से अगर फ्लैश होगा आपके सामने तो उस वर्ड का मतलब भूल भी जाते हो। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो आप जान रहे हो उसका मतलब आज जान रहे हो, 2-3 दिन बाद यूज किए, और अगर ज्यादा टाइम तक यूज नहीं किए दोबारा से वो वर्ड आएगा फिर उसका मतलब ही भूल जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये भी चीज होता है। तो रिविजन वही चीज है कि जो हमारे आस पास माहौल में रहता है ना वही हमें याद रहता है। अरे फ्रेंड्स के साथ ही हम बहुत दिनों से अगर कनेक्टिविटी में नहीं होते तो अट्रैक्शन कम होता है या बढ़ता है? कम हो जाता है ऑब्वियसली,
तो वो वर्ड्स जो आप डे टू डे लाइफ में एकदम से यूज कर रहे हो तो वो आपके ग्रिप में रहेगा, और जहां यूज करना बंद किया वो आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं फिर से उसी सवाल के ऊपर कि अगर इंग्लिश में सवाल हुआ हिंदी में हम पहले आंसर करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए पैटर्न्स लाते हैं ग्रामर का, और उसमें फिर पैटर्नाइज करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, फिर अगर किसी वर्ड का इश्यू हुआ तो और ज्यादा ट्रबल हो जाता है कि अब ये तो वर्ड भी नहीं मिल रहा है। तो समझिए, ये जो होता है ना इंग्लिश टू इंग्लिश सोचने का चीज, आपको एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे जो टास्क करवाया जाता है कि जब इज एम आर से या सिर्फ वॉज वर्ब से या सिर्फ हैज हैव के यूसेजेस से, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग से, स्टेट ऑफ पोजेशन से, सिर्फ इन्हीं पैटर्न को यूज करके बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करना है। तो उस टास्क में क्या होता है कि आपको बहुत अलग, यानी कि वर्ब वगैरह इन सब चीजों का यूज नहीं करते आप, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न से बहुत सारा चीज यूज करना होता है। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप बताते हो कि देर इज ये, देर इज वो, है ना, देर इज अ पोडियम, देर इज अ प्रोजेक्टर, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, इस तरीके से करते हैं। आप इस चीज को घर पे किया कीजिए, जहां पे भी रहिए, घर पे रहिए, उस चीज को एक दो बार किया कीजिए, क्लियर है ना। और जब एक दो तीन बार ये चीज कर लोगे आप, इसी टास्क को अगर दो तीन बार आप कर लोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वॉलेट है, फिर ये बुक है, बुक को इंग्लिश में, सॉरी टेबल है, सॉरी सेब है, उसको फिर इंग्लिश में हम एप्पल कहते हैं, तो उतना ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फिर चीजें आता चला जाएगा, कनेक्टिविटी बनता चला जाएगा, कुछ भी चीज। और राइटिंग का जो स्किल है उसको आप डेवलप कीजिए, रोज लिखिए कुछ ना कुछ, जो भी आपके जहन में चल रहा है उसको रोज लिखा कीजिए, और हो सकता है जो आपके आसपास में जिससे आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं तो उससे करेक्ट करवाइए। बोलचाल में तो बहुत अच्छा है, यहाँ आप इतने सारे लोग हैं, इनके सामने आप इंटरैक्ट कर सकते हो, सामने वाला आपको सिखाता है, बताता है, 10 तरह के लोग 10 तरह के सेंटेंस यूज कर रहे हैं, इतना अच्छा माहौल है कि रोज किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। तो बस क्या होता है कि यहीं तक रखते हो उसको, जो कुछ भी आज सीखे ना आप एक सेंटेंस ही सीखे, ये जो इंग्लिश टू इंग्लिश सोचने वाला चीज है वो इसी से डेवलप होगा। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई सेंटेंस जो आप बहुत डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो आप जब बोलने के दौरान जब कोई आपको कुछ देता है तो आप ये नहीं बोलते कि हम शुक्रिया बोलेंगे, अच्छा शुक्रिया का इंग्लिश थैंक यू होता है, वो चीज नहीं सोचते। या कोई एक सेंटेंस ही आप बोल दिए कि यू डोंट हैव अथॉरिटी टू आस्क मी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ये चीज आप एक बार बोल लिए, इसको प्रैक्टिस कर लिए, अब जब भी कोई सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है, ऐसा सिचुएशन आता, पूरा सेंटेंस एक बार में थ्रो कर दिए, तो फिर वहां पे आपको हिंदी नहीं सोचना होगा कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम इस तरह के सवाल मेरे से उठाओ इस मामले में, वो फिर हिंदी नहीं, वरना फिर पूरा सेंटेंस आएगा, फिर पूरा सब ये आएगा। एक बार जब सोच लिए ना उस सेंटेंस को, जो नॉर्मल सेंटेंसेस है उसको एकदम से यूज किया कीजिए, घर पे यूज कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में यूज कीजिए, यूज किया करें, उसमें क्या होगा कि फिर वो हिंदी वाला सेंस खत्म हो जाएगा। वो जो होता है ना कि पहले हम हिंदी बनाएंगे फिर इंग्लिश, फिर कोई सेंटेंस बोला है तो हिंदी इंग्लिश, वो डायरेक्ट इंग्लिश जाएगा सीधे, यहां डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो वो जो गैप है, टाइम गैप, कि जब सामने वाला क्वेश्चन करता है हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड में अगर प्रॉब्लम आ गया तो और भी टाइम लग जाता है, तो इन सब में इतना टाइम लग जाता है कि सामने वाला तब तक दूसरा या तीसरा सवाल कर देता है या फिर वो चला जाता है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है कि शायद वो नहीं जानता है या फंबल कर रहा है, क्लियर है। तो एक बार जब ये इमेज क्रिएट हुआ तो ये और धीरे धीरे हावी होता जाता है, तो आपका और मोरल डाउन करेगा ये चीज, समझ रहे हैं? यस। किसी का कोई सवाल है इन सब पे, फिर मैं कुछ पढ़ाऊंगा आज, किसी पे भी, जैसे इंग्लिश बोलने के दौरान कहां इश्यू होता है किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए जो मैं यहां पे पढ़ाता हूं ना कि ये पहले हिंदी सेंटेंस है फिर इंग्लिश सेंटेंस है, सही मायने में देखें तो ये भी प्रोसेस सही नहीं है, है ना। हिंदी इंग्लिश, मैं तो आपको और वो चीज़ हौच पौच कर दे रहा हूँ कि पहले हिंदी में सोचो फिर इंग्लिश में करो, हिंदी में सोचो फिर इंग्लिश में करो, लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये मैज बेसिक सेशंस में होता है, एक्टिविटीज़ में नहीं होता ये चीज़। ऑन एंड ऑन सिर्फ बोलिए, गलत बोलिए सही बोलिए, बस बोले जाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल की आ रहा हूँ उस पर, क्योंकि ये जो काम है ना ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल है या कहीं पे भी होता है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाइए, क्लियर है, पूरे वर्ल्ड में भी चले जाइए,
अगर इंग्लिश स्पीकिंग का जो क्लास चलता है उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं और अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, सबका जहन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को बस ज़रा सा लिफ्ट की ज़रूरत है और किसी का पहला सेशन है इंग्लिश स्पीकिंग का, पहला ऐसा इंस्टीट्यूट। तो हर किसी का लेवल बहुत उसमें फ्लक्चुएशन है, हर किसी का ग्राफ बिल्कुल एकदम से डिफरेंट है, तो हर किसी के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करना होता है। अब होता ये है कि बहुत मुश्किल से इस मिक्स माहौल में बड़े मुश्किल से सेशंस परोसना होता है, सर्व करना होता है, क्लियर है। अगर मैं एकदम से बेसिक सेशन लेके चलूं लगातार, जो एडवांस स्टूडेंट्स है वो बोर हो जाएंगे। अगर मैं एडवांस लेकर जाऊं बेसिक है वो भाग जाएंगे, क्लियर है। तो उसको मॉड्यूलेट करना होता है, बहुत मुश्किल है ये चीज कि कब किस दिन किस सेशन का वो माइंडसेट पढ़ना होता है, रीड करना होता है कि किस बैच में क्या देना है, पहले क्या देना उसके बाद क्या देना है। समझिए एक एक जो टास्क है ना इस पे वक्त लगता है, उसको डिजाइन करने में बहुत वक्त लगता है। ऐसा नहीं हो, आपका थिंक टैंक भी यही है, आपका वर्कर भी यही है, सब कुछ यही है, इसलिए टाइम लगता है। हाँ, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे आप, तो कॉन्फिडेंस कैसे अप होगा आपका, ठीक है। कॉन्फिडेंस तभी अप होगा जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज रोज बोलिएगा, ठीक है। जब आपको रोज बोलना होगा, ऐसा नहीं है कि जनरली होता है कि जब आपको टास्क मिला है ना तो आप उस दिन आके एकदम से अच्छे से परफॉर्म किए, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप एक्सटेम्पो बोलोगे, जब एक्सटेम्प्री राउंड में ज्यादा आप बोलोगे। देखिए बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम से जो डेडिकेटेड माइंड वाले लोग होते हैं, जो बहुत फोकस्ड टाइप के होते हैं, जो मेहनती होते हैं, क्लियर है, जो मेहनती होते हैं। तो वो उस तरह के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उनको अगर कोई चीज मिला है तो पहले से तैयारी करेंगे, होमवर्क करके आएंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, वो एक्सटेम्प्री में नहीं बोल पाते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, ज्यादातर ये इंग्लिश बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स में मिलता है कि वो अगर कोई टास्क में प्रेपरेशन करें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा या अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोल पाएंगे, एक्सटेम्प्री में वो रॉक कर देंगे, ठीक है, ये चीज जान लीजिए। तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, कुछ है एक्सटेम्प्री में बहुत अच्छा बोलेंगे और कुछ एक्सटेम्प्री में नहीं बोल पाएंगे, वो उनको टास्क मिलेगा तो वो उसमें अच्छा बोल पाएंगे। तो अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग ये चीज है। तो आप जिस चीज में कंफर्ट हो, जैसे आप अपने आप को देखो कि हाँ मुझे जब टास्क मिलता है तो मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, आपको एक्सटेम्पो ज्यादा करना है। कुछ ऐसे कि एक्सटेम्प्री में बहुत अच्छा बोलते हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, लेकिन जब टास्क मिलता है तो बहुत हद तक नहीं कर पाते, या जो वो प्लान किए हैं, जो वो अच्छे तरीके से उसको स्केच लाइन किए थे, बनाए थे, चीजें प्लान्ड किए थे, उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही खरा नहीं उतर पाते, तो उसको उस चीज के ऊपर काम करना है। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के काम करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मैं सही बता रहा हूं कि आप कितना भी सीख लो, कितना भी ऐसे 1-to-1 पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, जितना कुछ पढ़ लीजिए वो आपके नोटबुक में ही रह जाएगा। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको नोटबुक तक नहीं रखना है, ये आपके टंग पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बार बार दिखाना पड़ेगा, नहीं मेरा एकेडमिक्स में ये है, मेरा मार्क्स इतना है, क्लियर है, 90 है तो 95 है, 10th में इतना था, 12th में इतना था, ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब जब आप बोलो, कोई अच्छा इंग्लिश जब बोलता है उससे कोई इसका मार्क्स पूछता है इंग्लिश का? कभी कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई अच्छा इंग्लिश स्पीकर है तो उससे कोई उसका मार्क्स नहीं पूछेगा, उससे उसका कोई डिग्री नहीं पूछेगा। अब यहां आए थे, नहीं पूछे थे डिग्री कितना है, क्लियर है, ये चीज जान लीजिए आप। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप जितना बोले, जितना ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा। देखिए सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि कैसे बूस्ट करें, एकदम रहस्यमयी चीज है, इसको खोज के निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा चीज है, अच्छा एथलीट बनना है आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा, रोज दौड़ना होगा। और इंग्लिश, ये जो इंग्लिश सीखना है ये एक मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, ठीक है, ये एक सफर है। कभी ये मत सोचना कि हम इंग्लिश बोलना सीख गए, हो गया। लोग आते बोलते कोर्स कितने का है, हमको नोट्स दे दीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या नोट्स, कल का एक बात है,
एक लड़का हम दोपहर में सोते 2-3 बजे के आसपास कॉल किया कि सर हम लोग को, हम लोग 10-12 लोग हैं, हम लोगों को ऐसा बैच दीजिए जिसमें एक भी लड़की ना हो। तो पहले उसको समझाए, बहुत देर समझाए, फिर तैयार हुआ कि अच्छा ठीक है कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं सर, कुछ दिन तक हम लोगों को एकदम अलग से दीजिए, मतलब उसमें एक लड़की एक भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग जब रेडी हो जाएंगे तो वो इंसल्ट नहीं होगा, यकीन जानिए नहीं होगा, उससे कभी नहीं होगा, क्योंकि उस वो हिंदी में भी शर्मा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में ऐसा प्रॉब्लम है, वो हिंदी में बात नहीं कर पाएगा इंग्लिश में उससे। तो ये चीज करने आना चाहिए आपको। डन? हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछो, जो सवाल है पूछो। देखिए ग्रामर जो है ना, बैठ जाइए, क्योंकि हम बेसिक को भी पढ़ाते हैं और जो कॉम्पिटेटिव सिलेबस है उसको भी पढ़ाते हैं। जो ग्रामर का है, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं उसका पर्पस क्या है पहले ये जानिए। अगर आप ग्रामर सीखना चाह रहे हैं किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो पूरा डेप्थ में आपको सीखना पड़ेगा चीज़, एक एक वर्ड का ग्रामर सीखना होगा। वर्ड का ग्रामर मैं बोल रहा हूँ, वर्ड का एक एक वर्ड का फंक्शन सीखना होगा कि ये जो अश्योरेंस है, ये अश्योरेंस नाउन के जैसा यूज हुआ और अश्योर्ड एक वर्ब के जैसा यूज हुआ, और अश्योरेंस में क्या फर्क है, इनश्योर में क्या फर्क है, इनश्योर में क्या फर्क है, इन सब में आपको जाना पड़ेगा एक एक वर्ड का। एडवर्ब जैसे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब है जो मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, कुछ ऐसे जो एडजेक्टिव के पहले यूज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के पहले, मतलब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेंगे सेंटेंस के पहले होते हैं, एंड में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ रूल के एक्टिव फॉर्म में वो मेन वर्ब के पहले आता है, कभी कभी ऐसा होगा कि वो पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब के बाद आएगा। तो बहुत अलग अलग है, बहुत डेप्थ में है। और जब SSC और बैंकिंग का बात कीजिएगा तो बैंकिंग थोड़ा मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करता है, मॉडर्न ग्रामर को फॉलो करता है, जो SSC है वो ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करता है, ये भी चीज जान लीजिए। तो उसमें होता है वो आपका पर्पस देखना है, आप ग्रामर किस पर्पस से सीख रहे हैं। जैसा कि आपने जो भेजा था उसमें एकदम बेसिक सा काम है, बहुत बेसिक सा चीज। कल आप इंग्लिश बोल रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं होगा कि उतना सिल्ली मिस्टेक आपसे हो सकता है, उतना सिल्ली एकदम से बहुत ही चाइल्डिश मिस्टेक था वो। स्टैंडर्ड 1-2 में आज आप ICSE स्टूडेंट्स के नोटबुक को उठाकर देख लो, कभी आपको अपना औकात दिख जाएगा, ठीक है, सच बता रहे हैं। कभी ICSE स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को उठाकर देख लीजिए, स्टैंडर्ड 1, 2, 3 इस ग्रेड वालों को उठाकर देख लीजिए, उनके बुक्स, उनके ग्रामर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं, आज तक कितना पीछे है, और वो लोगों को अभी से उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। समझ गए? एनी मोर क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? कहीं प्रॉब्लम होता है ऐसा बोलिए। साउंड में तो साउंड बहुत मायने रखता है, साउंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, अगर आप अपने आप को ग्लोबल लेवल के ऊपर देख रहे हो तो। अदरवाइज किसी को लगता है ये पकाऊ चीज है ना, तो होगा पकाऊ उनके लिए, क्योंकि उनका माइंडसेट ही बस इतना ही दूर है कुएं के अंदर तक का, इसीलिए वो ग्लोबल आज तक नहीं हुआ। आज अगर इंटरनेट के दौर में वो ग्लोबल नहीं हुआ तो जिंदगी में नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये चीज जान लीजिए कि साउंड बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर आपको ग्लोबल बनना है तो, क्योंकि इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है वो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता है, पूरे ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड वो हावी है, ट्रेड पे हावी, बिजनेस पे इसी का ही कब्जा जमा हुआ है, ये चीज आप जान लीजिए। डन? सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन है? इंग्लिश नहीं बोला जाता, बहुत कम बोला जाता, उसके बाद दूसरा, आधा आबादी दुनिया का इधर, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में क्या बोला जाता है? हिंदी, सबसे ज्यादा। नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया का हिंदी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देयर आर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, दैट्स इट। तो आप सोच लो चाइना में सबसे ज्यादा आबादी, दूसरा आबादी, उसके बाद
तीसरा चौथा किधर जाता है? आपका पाकिस्तान में भी कम आबादी नहीं है, बांग्लादेश में कम आबादी नहीं है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो आबादी वाला एरिया है ना, ये एशिया है, और इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश का ये नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो किनका? इंग्लिश पीपल का, अंग्रेजों का, वो सबसे ज्यादा हावी है हर जगह। यही एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबको ब्रिज कर पाता है, जोड़ पाता है। इनफैक्ट इंडिया में ये चीज है, इंडिया में आप नहीं बोल पाओगे हर जगह हिंदी। इंडिया में भी अगर आपको हर एक सेक्शन में, हर एक रीजन में जाके इंटरैक्ट करना है तो इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए तो इसे मैंडेटरी किया गया है हर जगह। आज कहीं दिखता है आपको हिंदी मीडियम स्कूल? शायद ही कहीं दिखता है ना, शायद ही कहीं दिखता है हिंदी मीडियम स्कूल। लेकिन जो कैसा भी मीडियम स्कूल हो, एक एक पेपर तो चलाया जाता है इंग्लिश, बिना इंग्लिश का नहीं चलता। कोई ऐसा स्कूल जहाँ इंग्लिश नहीं बताया जाता, कम से कम एक पेपर तो उसमें इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं सीखोगे तो फिर आपको हायर स्टडीज़ में दिक्कत होगा, वहाँ पे फिर सारा पूरा सारा चीज़ इंग्लिश में होगा। चीज़ें और था मेरे जहन में बोलने को, और कुछ था बताने को, शायद अभी आ नहीं रहा। यस, कोई पूछे, कुछ पूछना है किसी को? नए लोगों को कहाँ इशू होता है, कुछ तो एक चीज़ जहन में बिठा लीजिए कि ये जो टास्क होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जो सेशन यहाँ सीखते हैं वो तो सीखेंगे, क्लियर है? और थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, आपको सब कुछ मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा, पूरा डेप्थ में मिलेगा। यहाँ जो हम लोग ग्रामर इंग्लिश स्पीकिंग में सीखेंगे वो फंक्शनल ग्रामर है, जो ज़्यादा फंक्शन में है उसको सिखाएंगे। जो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग को बोलने में ज़्यादा काम आता है, उस ग्रामर को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। जैसे ही कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि जब वन टू वन पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है ना, और जैसे टास्क मिले तो वो हट जाते हैं, और फिर वो क्लेम करेंगे कि मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है सर, हम क्या करें? तो आपका इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब आपको टास्क मिलता है तो आप बैक स्टेप ले लेते हो, आप पीछे हट जाते हो, मतलब आपको आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। बनना आपको विराट कोहली है, वो चमक धमक, वो लाइम लाइट वर्ल्ड, सब नाम रुतबा सब चाहिए, लेकिन उतना एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उतना उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करने के लिए आप तैयार है ही नहीं, और चाहिए वो सारा चीज़। ये तो फिर वही बात हो गया, वो कहीं पोस्ट मैंने पढ़ा था कि जाना हर किसी को जन्नत में है, लेकिन पुण्य करना नहीं है, पाप में मज़ा आता है। वही बात हो गया, ठीक है।